Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, we'll be learning blending techniques with acrylic paints. हमने acrylic painting tutorials की series start की थी. Last two videos में हमने कुछ blending techniques सीखी थी. ये video उसी का continuation part है. But this video is specifically for those people who are using the acrylic painting paper. कुछ लोगों को कैनवस पे पेंट करना और पेपर पे पेंट करना डिफ़िकल्ट जा रहा था, सो मैंने ये ब्लेंडिंग टेक्निक्स फिर से थोड़ा और इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश की है. सो विल स्टार्ट विद दैट. एंड फॉर पेपर, एक्रेलिक पेंटिंग पेपर जो है उसको जब हम बॉर्डर्स पे सेलो टेप या फिर मास्किंग टेप लगाते तो आपको इस तरह से टेप लगाना है, क्योंकि इसका जो स्टिकीनेस है वी हैव टू रिमूव दैट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टिक इट टू दैट पेपर, सो दैट पेपर बाद में टियर ऑफ ना हो. ओके, सो उसके बाद आई विल बी टीचिंग इन कंपैरिजन विद एक्रेलिक पेंटिंग पेपर एंड दिस कैनवस रोल. सो लेट स्टार्ट विथ दिस कलर्स. आपको आप कोई भी कलर्स ले सकते हैं जो भी आपको ब्लेंड करने. मैंने वाइट, अल्ट्रामरीन ब्लू, येलो एंड दिस ऑरेंज कलर हैव टेकन. और तीन फ्लैट ब्रशेस लेने हैं जस्ट टू मेक द ब्लेंडिंग ईजी. आई विल टीच यू. तो तीन नहीं है, दो भी आप यूज़ कर सकते हैं. Even I use one only, but to make it easier, I'm just suggesting you to use three or two brushes. So इस तरह से हमें canvas पे brush मैंने पानी में dip करके extra water निकाला है, just by dipping it in water and removing the excess water and just applying this moist brush over the canvas. So आपको भी brush dip करना है, थोड़ा सा moist brush canvas पे apply करना है so that canvas will be moist. Okay, so I am taking whichever color you want to take, you take that on your flat brush. Okay, with the same moist flat brush I am taking this color. Okay, so start with this. Okay, apply, and the second color whichever you want to paint just take it immediately and blend it with the same brush, same moist brush. Okay, now I want to paint it, just लाइटर शेड में चाहती हूँ, तो आई विल टेक वाइट कलर अगेन एंड आई विल जस्ट ब्लेंड द वाइट कलर लाइक दिस. यू कैन ऑल्सो यूज अनदर सेपरेट फ्लैट ब्रश टू ब्लेंड इट. जैसे कि आप अगर ऐसे कैनवस रोल पे पेंट करोगे तो यू विल फील कि पेंट्स काफ़ी मॉइस्ट है, सो यू कैन टेक अनदर फ्लैट ब्रश ड्राई, और बस वो ड्राई फ्लैट ब्रश लेके आपको सारी कलर्स ऊपर से नीचे तक ब्लेंड करते हुए आना है, जस्ट सो दैट वो एक स्मूथ फिनिश आए. सो आई वॉन्ट सम डार्कर शेड, तो आई एम टेकिंग ब्लू कलर अगेन and like this blend it. ये हमारा sky ready हो गया. अब हम with another technique I will teach you the easier method to blend. Okay, so take a flat brush, moist flat brush, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो वो flat brush just dip it in water and remove excess water and just apply it over the canvas.
मैंने इसके पहले वीडियो में भी ब्लेंडिंग टेक्निक्स बताई है, दैट दोज मेथड्स आर ऑल्सो वेरी ईजी, यू कैन फॉलो दैट। मैं उन वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन वॉच इट एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। सो विल स्टार्ट विथ अनदर मेथड। सो आफ्टर मेकिंग दिस कैनवस मॉइस्ट, जस्ट टेक वाइट एक्रेलिक कलर एंड अप्लाई इट थ्रू आउट द पोर्शन जो भी आपको ब्लेंड करना है। सो आई एम अप्लाइंग द वाइट एक्रेलिक कलर विद द मॉइस्ट ब्रश। फर्स्ट एक्रेलिक जो सरफेस है, पेंटिंग सरफेस है, उसको मॉइस्ट किया था, कैनवस को मॉइस्ट किया था। उसके बाद विद द सेम मॉइस्ट ब्रश, विद द सेम जो वाटर उसमें ब्रश में रहता है, आई हैव टेकन द वाइट एक्रेलिक कलर एंड अप्लाइड इट ओवर द कैनवस। अब जो ब्लू शेड है, जो स्काई बनाना है जिससे हमने बनाया था, उसके लिए आई हैव टेकन दिस ब्लू कलर एंड ऑन द सेम वाइट एक्रेलिक कलर सरफेस I am applying this blue color. So apply it like this. जब white acrylic color थोड़ा moist रहता है, उसी time आपको this blue color या फिर जो भी आपको shade उसके ऊपर blend करना है, you apply it over that only and just blend it. So I am just washing my brush and taking another ड्राई फ्लैट ब्रश। जस्ट एक ड्राई फ्लैट ब्रश लेके आपको जो भी आपने कलर्स वाइट कलर के ऊपर अप्लाई किए थे वो ब्लेंड करते हुए जाना है, जस्ट वेरी स्मूथली विथ वेरी लाइट प्रेशर यू अप्लाई दिस कलर्स ओवर द कैनवस। आई वॉन्टेड सम डार्कर शेड इन द टॉप, सो आई एम अगेन अप्लाइंग द ब्लू कलर और यू कैन जस्ट let it be, that shade is also nice. So apply blue color over that same white acrylic base and it will blend automatically. Blending aapko smooth chahiye to take another flat brush, dry flat brush, aur bas surface mein aapko with light strokes blend karna hai. So this is another method. Now we'll start with acrylic painting paper. So for paper we can't use water over the surface to moist it. Okay? तो हम जो भी colors आपको blend करने हैं over the surface, you take those colors. So I want sky blue color. I am taking this blue color. And taking little bit of white. And यहीं पे आपको उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी लिक्विडी रखनी है. So rather than applying water over the paper, you take just dip the brush in water, very little bit water, just the tip of brush you dip it in water और वो हम इस कलर में मिक्स करेंगे. And apply that color over the surface where you want that shade. So I'm applying this sky blue color. एक difficulty आती है canvas पे और paper पे blend करते हुए कि canvas पे blending easy होती है, paper पे colors बहुत जल्दी dry होते हैं, तो you have to be very fast with that. So I have taken this white acrylic color and immediately over that moist sky blue color I am blending this white color. Again I am taking another stroke of white color. Just blend it with a moist flat brush. So it's done. Okay. You want some smoother strokes, so you always take, you can take a little bit of water, just
dip that tip of the brush and take little bit of water and blend it like this. आपको पेपर पे जितने कम स्ट्रोक्स में आप ब्लेंड कर सकते हो उतना कम स्ट्रोक्स यूज़ करना है, बिकॉज पेपर जो है उसका और कैनवस का टेक्सचर अलग होता है, तो पेपर थोड़ा फट सकता है इफ़ यू टेक मोर वाटर एंड ट्राई टू ओवर ब्लेंड इट. सो जस्ट वेरी स्मूथली यू टेक वाइट कलर एंड फेड द कलर एट द बॉटम. This is done. Now we'll learn how to blend the different two colors on the acrylic painting paper. So we'll start with mostly हमें जब scenery निकालनी रहती है तो हम स्काई पेंट करते, सो आई एम टीचिंग यू विथ दैट फर्स्ट. अभी अगर आप कोई भी बैकग्राउंड निकालना चाहते, कोई दो अलग अलग कलर आपको अगर ब्लेंड करने हैं, सो फॉर दैट आई एम टीचिंग दिस मेथड. आई हैव टेकन दिस ऑरेंज कलर, आई हैव एडेड अ वेरी लिटिल बिट ऑफ वाटर विथ इन दैट ऑरेंज कलर विथ अ मॉइस्ट फ्लैट ब्रश. ओके, ये थोड़ा लिक्विडी कंसिस्टेंसी का थोड़ा वाटर ऐड करके जो ऑरेंज कलर हम बना रहे हैं वो मैंने अप्लाई किया है. नाउ वी आर टेकिंग द येलो कलर विद द सेम मॉइस्ट फ्लैट ब्रश. यू कैन सी उसमें काफ़ी वाटरी कंसिस्टेंसी है, सो यू अप्लाई द अनदर कलर इन द बॉटम. एंड नाउ इन द एक्रेलिक पेंटिंग पेपर दिस इज़ द डिफ़िकल्टी. यू कैन सी जो मिडिल पोर्शन है उसमें ब्लेंडिंग नहीं हो सकती बिकॉज वो ड्राई हो चुका है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू टेक द ऑरेंज कलर और वॉट एवर कलर यू हैव ब्लेंडेड इन अपर पोर्शन अगेन, सो यू कैन टेक दैट कलर अगेन एंड इमिडिएटली जो लाइटर कलर है जो नीचे हमने पेंट किया है यू टेक दैट कलर एंड ब्लेंड इट. नाउ यू अप्लाइड इट, टेक अनादर फ्लैट ब्रश, ड्राई फ्लैट ब्रश लाइक आई एम टेकिंग अनादर सेपरेट फ्लैट ब्रश एंड जस्ट ब्लेंड इट, जस्ट विथ स्मूथ स्ट्रोक्स ब्लेंड इट एंड दो जो मिडल पोर्शन ब्लेंड नहीं हो रहा था वो हो जाएगा. नाउ यू कैन सी द स्मूथनेस इन टू शेड्स. So in this way you can blend acrylic colors. अगर dry हो जाते हैं colors, नहीं blend होते, तो आप एक दूसरी layer उसके ऊपर लगाएं. जैसे हमने यहाँ पर orange color फिर से लिया और उसके ऊपर yellow color blend किया था. So you can do it like that. So you please try these easy techniques of blending and let me know in the comment section below कि आपको और क्या difficulties आ रही है, so that I can make further videos according to that. And please go and check in the description box जो भी painting series के videos है, you can check those videos also. And please like and subscribe this channel. Thank you.